नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के ढाका में 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए गए ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। नष्ट होने के 50 साल बाद अब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रपति कोविंद 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए अपने समकक्ष एम अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर पहली बार राजकीय यात्रा पर बांग्लादेश गए हैं। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने पुनर्निर्मित मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आपको बता दें कि 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने इस ऐतिहासिक रमना काली मंदिर को तहस नहस कर दिया था। पाकिस्तान ने इसे अपने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पूरी तरह से ढा दिया था। मंदिर में पाकिस्तानी आर्मी ने आग लगा दी थी, जिसके कारण मंदिर में मौजूद लोग और आसपास के रहने वाले लोग बहुत मारे गए थे। अब 50 साल बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस ऐतिहासिक पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय दिवस परेड में भाग लिया। भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रिसेवा दल ने भी भाग लिया है। विंग कमांडर टी आशा चोत्रिया मई ने बांग्लादेश सशस्त्र बलों के पैराट्रूपर्स के साथ भारतीय त्रिसेवाओं का झंडा फहराया। 1971 के एक मिग 21 विमान को बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय को उपहार में दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रपति को विमान की एक प्रतिकृति सौंपी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मुलाकात की और मार्च 2021 में पीएम मोदी की बांग्लादेश की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। उन्होंने 1971 की भावना और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत के महत्व पर प्रकाश भी डाला। विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक ढाका में लिबरेशन वॉर म्यूजियम को बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उपहार देना, नूतन भारत बांग्लादेश मैत्री मुक्ति जोधा सोंतन, छात्रवृत्ति योजना का विस्तार 5 साल के अंदर करने जैसी घोषणाएं इसमें शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।